देखते हैं गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कहा जाता है कि जब भी कोई वस्तु गति करती है तो उसके गति के दौरान निम्नलिखित तीन इक्वेशन का उपयोग किया जाता है और इन्हीं तीनों समीकरण को हम लोग सम्मिलित रूप से गति के समीकरण कहते हैं, जिनमें से पहले को बोलते हैं गति का प्रथम समीकरण, दूसरे को गति का दूसरा समीकरण और तीसरे को कहते हैं गति का तीसरा समीकरण। तो चलिए देखा जाए गति के समीकरण हैं क्या। तो पहला है v बराबर u प्लस at, दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर और तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यही तीनों सम्मिलित रूप से बोले जाते हैं गति के समीकरण। यहाँ कौन क्या है ये आपको जानना जरूरी है। तो भाई u को हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वस्तु का प्रारंभिक वेग। v को बोलते हैं वस्तु का अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। a को बोला जाता है एक्सीलरेशन ऑफ दैट पार्टिकल, मींस वस्तु का त्वरण। t को बोलते हैं टाइम, समय और s को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के प्रथम समीकरण की स्थापना। तो कहा जा सकता है कि मान लिया जाए कोई वस्तु है जो a त्वरण से गति करना प्रारंभ करती है, इसका प्रारंभिक वेग u है तथा t समय पश्चात इसका अंतिम वेग भी हो जाता है और इतने समय में यह वस्तु s दूरी तय करती है। तो आप कह सकते हैं कि यदि किसी टाइम t पर इसका वेलोसिटी भी है तो आप जानते हैं कि एक्सीलरेशन उत्पन्न होने वाला त्वरण a is equal to dv by dt। हमने कहा कि if the velocity of the particle is v at particular time t, then the instantaneous acceleration of that particle at that instant a is equal to dv by dt। और यदि हम लोग dt को उधर की ओर भेजें तो dv is equal to a into dt। अब कह सकते हैं कि यदि इस वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, अर्थात शून्य समय पर इसका प्रारंभिक वेग u है और t समय पश्चात इसका अंतिम वेग भी हो जाए, then by definite integration, निश्चित समाकलन करने पर। तो भाई निश्चित समाकलन के लिए इधर है dv is equal to a dt, तो दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह लगा देंगे और हम लोग लिमिट रख देते हैं। तो आप देख चुके हैं वेलोसिटी के लिए लोअर लिमिट u जबकि अपर लिमिट v, ठीक उसी प्रकार से इधर की ओर भी लिमिट रखेंगे तो टाइम के लिए लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 10। अब dv का समाकलन होगा तो भी आपको पता है कि ब्रैकेट इस्तेमाल किया जाता है, ब्रैकेट के नीचे लोअर लिमिट यानी u और ऊपर अपर लिमिट मीन्स v। और इधर की ओर हम लोग कह सकते हैं कि चूंकि एक कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी है और इंटीग्रेशन का रूल होता है कि कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी को बाहर निकालते हैं तो ए बाहर निकलेगा, यानी a इंटीग्रेशन ऑफ dt लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट t। अब यदि आगे बढ़ा जाए तो हम लोग कह सकते हैं v के स्थान पर एक बार अपर लिमिट लिखते हैं, फिर लोअर लिमिट लिखते हैं और बीच में माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, यानी लिख सकते हैं v माइनस u और इधर की ओर a और dt का समाकलन करेंगे तो t, उसी तरह से इधर भी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट t। अब पुनः कह सकते हैं कि v माइनस u इज इक्वल टू a, t के जगह एक बार अपर लिमिट यानी t, फिर लोअर लिमिट मींस 0 और इनके बीच में माइनस का साइन, यानी यहां से लिख सकते हैं कि v माइनस u इज इक्वल टू a t। और यदि u को उधर की ओर भेज दिया जाए तो v इज इक्वल टू u प्लस a t। यानी कुल मिला जुलाकर हम लोगों ने यह देखा कि यदि कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है, यह a त्वरण से गति करना प्रारंभ करती है और t समय पश्चात यदि इसका अंतिम वेग भी हो जाए तो गति का प्रथम समीकरण कहता है कि v इज इक्वल टू u प्लस a t। हमने कहा कि सपोज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज u एंड इट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन a एंड आफ्टर टाइम t, सपोज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट बिकम्स v, then according to first equation of motion we can say that final velocity v is equal to u plus at, where u is the initial velocity of the particle,
v is the final velocity of the particle, a is acceleration and t is time taken during motion of that particle. तो ये था first equation of motion. Derivation of first equation of motion, गति के प्रथम समीकरण की स्थापना. तो चलिए अब हम लोग देखते हैं गति के दूसरे समीकरण की स्थापना, डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो कहा जा सकता है कि मान लिया जाए एक वस्तु ए नियत त्वरण के अंतर्गत गति कर रही है जिसका प्रारंभिक वेग u है, टी समय में यह s दूरी तय करती है और इसका अंतिम वेग भी हो जाता है. यदि किसी क्षण t पर इस वस्तु का विस्थापन s है तो आपको हम पढ़ा चुके हैं कि इसका वेग भी बराबर होता है ds बटा में dt. और यदि हम लोग dt को उधर भेजें तो लिखा जा सकता है कि ds इज इक्वल टू v इनटू dt. और आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं गति का प्रथम समीकरण. तो कहा जा सकता है कि गति के प्रथम समीकरण से हम जानते हैं कि वस्तु का अंतिम वेग v बराबर होता है u प्लस at. और यदि v के इस मान को उस इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया जाए, यानी कह सकते हैं कि v का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, तो नीचे हम लोग लिख सकते हैं कि ds इज इक्वल टू u प्लस at dt. और कहा जा सकता है कि यदि शून्य समय पर वस्तु का विस्थापन शून्य है तथा t समय पश्चात इसका विस्थापन s हो जाए तो निश्चित समाकलन करने पर, और यदि निश्चित समाकलन किया जाए तो लिखा जा सकता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ds लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस at लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट t. अब तो आप जानते हैं इधर ds का हम लोग समाकलन करेंगे तो आएगा s. और आपको ये भी समझाया जा चुका है कि बड़ा ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, नीचे लोअर लिमिट यानी 0 और ऊपर अपर लिमिट यानी s. और इधर की ओर ध्यान दिया जाए तो पुनः लिखा जा सकता है कि इंटीग्रेशन ऑफ u dt लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t प्लस इंटीग्रेशन ऑफ at dt लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट t. और अब हम लोग कह सकते हैं कि s के स्थान पर एक बार अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट और इन दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह, तो लिख सकते हैं कि s माइनस 0 इज इक्वल टू, वहां से u को बाहर निकाला जाए तो u इंटीग्रेशन ऑफ dt लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t प्लस इधर भी लिख सकते हैं a को बाहर निकाला जाए तो a इंटीग्रेशन ऑफ t लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट t. यानी नीचे लिखा जा सकता है कि s इज इक्वल टू dt का समाकलन करेंगे तो t यानी u ब्रैकेट में t लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t. और उसी तरह से इधर की ओर ध्यान दिया जाए तो a तो बाहर निकल चुका है, यहाँ पर यदि t का समाकलन किया जाए तो भाई पावर में एक जोड़ते हैं और उतना ही से भाग देते हैं, तो लिख सकते हैं कि a जोड़ा जाए तो t स्क्वायर और यदि डिवाइड किया जाए तो बाई 2 बड़ा ब्रैकेट नीचे लोअर लिमिट 0 और ऊपर अपर लिमिट t. पुनः आगे की ओर बढ़ा जाए तो लिख सकते हैं कि s इज इक्वल टू u t की जगह एक बार अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट और बीच में माइनस का साइन यानी u इंटू t माइनस 0 प्लस a और यदि 2 को बाहर निकाल दिया जाए तो 1 बाई 2 a ब्रैकेट में t लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट t. पुनः हम लोग लिख सकते हैं कि s इज इक्वल टू यहाँ u t प्लस 1 बाई 2 a पुनः t के स्थान पर अपर लिमिट यानी t स्क्वायर फिर 0 का स्क्वायर और इनके बीच में माइनस का साइन और यदि इनको सॉल्व किया जाए तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यानी यहाँ से आप देख चुके हैं कि गति का दूसरा समीकरण s बराबर आया है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर.
तो ये था सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का दूसरा समीकरण और उसकी स्थापना। तो देखिए आपसे यही कहना चाहेंगे कि आपको सारी घटनाओं को यहाँ पर दिखाया भी जाता है, तो लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट भी करते रहें ताकि पता चलता रहे कि आप इसमें क्या सुधार चाहते हैं, और अपने दोस्तों और मित्रों के बीच इसे हमेशा शेयर करते रहिए और उनको भी इसकी जानकारी देते रहिए कि इस तरह की पढ़ाई भी होती है। थैंक्स।